हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। इस मूवी का नाम है क्लिनिक और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी बहुत ही डिस्टर्बिंग है और एक मेडिकल हॉरर मूवी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है लाना नाम की एक लड़की से जो कि एक फॉरेस्ट में किसी से डर कर भाग रही थी। कुछ दूर तक तो भागती जाती है, लेकिन एक जगह पर उसका पैर लकड़ियों में फंस जाता है जिस वजह से वो भाग नहीं पाती है और कोई अनजान आदमी आकर लाना को पकड़ लेता है। उसके बाद में कहानी एक क्लब की तरफ आती है जहाँ पर कुछ स्ट्रिपर्स डांस कर रही थी और तभी हम इस स्टोरी की मेन लीड लिसा को देखते हैं और वो भी एक स्ट्रिपर थी, लेकिन उसको उसके डांस के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि लिसा का बॉडी स्ट्रक्चर बाकी लड़कियों के जैसा नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम थी जो कि आज के ज़्यादातर मर्दों को पसंद नहीं थी, और लिसा ने भी बाकी लड़कियों की तरह आज तक कोई भी सर्जरी नहीं करवाई थी। क्लब के अंदर लिसा की अप्रैल नाम की एक दोस्त थी जिसकी बॉडी लोगों को बहुत ही पसंद आती थी और एक बार डांस करने पर ही लोग अप्रैल को बहुत सारे पैसे दिया करते थे, और इतने पैसे लिसा 10 बार डांस करके भी नहीं कमा पा रही थी। तो इसलिए लिसा अप्रैल से टिप्स मांगती है कि वो कैसे उसकी तरफ पैसे कमाएं और डांस करने के टाइम वो कैसे मूव्स करें कि लोग खुशी से उससे एक्स्ट्रा पैसे देकर जाएं। तब अप्रैल लिसा को ब्राजीलियन बट इम्प्लांट्स के बारे में बताती है और अप्रैल ने खुद अपनी बॉडी पर एक प्रोसीजर करवाया हुआ था, और अप्रैल लिसा को उस डॉक्टर का नाम भी बता देती है जिसने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी। लेकिन लिसा को लगता है कि सर्जरी बहुत महंगी होगी, पर अप्रैल उसे समझाती है कि उसे सर्जरी करवा लेनी चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस एक कार से भी सस्ती है। अप्रैल के जाने के बाद में रूम में कुछ और डांसर आती है जिनकी बॉडी को देख कर लिसा अपनी बॉडी को लेकर और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी। फिर लिसा क्लब के मालिक लियो के पास में जाती है और उससे कुछ दिनों की छुट्टियाँ मांगती है। पहले तो लियो लिसा की छुट्टी को देने से मना करता है और तब लिसा उसे अगले हफ्ते ओवरटाइम करने का प्रॉमिस करती है जिसके बाद में उसे छुट्टी मिल जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि लिसा का एक 2 साल का बेटा भी है और उसी का खर्चा चलाने के लिए लिसा इस बार में स्ट्रिपर का काम करती थी। लिसा आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी तो इसलिए उसकी बेबी सीटर लिसा के ऊपर गुस्सा थी और लिसा से ओवरटाइम के पैसे भी मांगती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार से बड़ा सा एक प्लास्टिक बैग निकालकर रोड पर फेंक कर चला जाता है। सीन अगेन लिसा की तरफ आता है जहाँ पर लिसा इंटरनेट पर ब्राजीलियन बट लिफ्ट के बारे में देख रही थी। तभी हम लिसा के बॉयफ्रेंड मेलकम को देखते हैं। मेलकम मेडिकल की स्टडी कर रहा था तो इसलिए वो अभी लिसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा था। वे दोनों कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन हम डिटेक्टिव ओवेंस को देखते हैं जो कि अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रहे थे, और उसी समय उनके घर पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसके घर का लोन देने को कहता है, नहीं तो डिटेक्टिव का घर नीलाम कर दिया जाएगा। डिटेक्टिव इस बात से बहुत ही गुस्सा था और उस आदमी को अपने घर से भगा देता है। फिर कुछ देर के बाद में एक क्राइम सीन से डिटेक्टिव के पास में कॉल आता है और वो उस क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। क्राइम सीन पर हम उसी बॉडी को देखते हैं जिसे वो पर्सन प्लास्टिक बैग के अंदर रोड पर फेंक कर गया था, और ये बॉडी लाना की थी। तो अब डिटेक्टिव ओवेन को थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लाना एक प्लास्टिक सर्जन थी और उसके ऑपरेशन के चलते 2 लड़कियां मारी जा चुकी थी। अब यहाँ पर हम लिसा और मेलकम को देखते हैं। लिसा मेलकम को डॉक्टर ट्रिश के पास में लेकर आई थी जिसके बारे में उसे अप्रैल ने बताया था, और लास्ट मोमेंट पर लिसा मेलकम को ये बताती है कि उसे ब्राजीलियन बट लिफ्ट की सर्जरी करवाना है। लेकिन मेलकम नहीं चाहता था कि लिसा बाकी लड़कियों की तरह इन सब चीज़ों में पड़े। मेलकम लिसा को अपनी बॉडी के साथ ही खुश रहने को कहता है, लेकिन लिसा ने ये मन बना लिया था कि उसे ये सर्जरी करवानी है और उसे इस बारे में डॉक्टर से बात भी करनी है। तो इसलिए मेलकम को मजबूरी में लिसा के साथ में डॉक्टर ट्रिश से मिलने जाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर भी लिसा को सर्जरी करवाने से मना कर देता है क्योंकि लिसा को ब्लड क्लॉटिंग की एक बीमारी है, और यह सुनकर लिसा को बहुत ही बुरा लगता है। फिर डॉक्टर के केबिन से बाहर आने के बाद लिसा मेलकम से कहती है कि वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जा रही है, और लिसा की ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम को देखकर मेलकम उसे इन सबसे दूर रहने को कहता है। इस बात पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और तब डॉक्टर ट्रिश की रिसेप्शनिस्ट वेनेसा उनसे बात करती है। वेनेसा से लिसा को पता चलता है कि उसको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने के बाद भी लिसा सर्जरी करवा सकती है, और वेनेसा लिसा को एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो कि आधे प्राइस में उसकी सर्जरी को करवा देगी। उस साथ ही लिसा को एक कार्ड भी देती है, और वेनेसा की इन बातों को सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पर डिटेक्टिव लाना के घर पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की के साथ में रहती थी, और उस लड़की से डिटेक्टिव थोड़ी बहुत बात करके लाना की कार की तलाशी लेता है, और लाना की कार में डिटेक्टिव को डॉक्टर ट्रिश के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें लेकर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रात को लिसा वेनेसा को कॉल करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेलकम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वेनेसा के पास में कोई आईडी कार्ड तक नहीं था।
वो कौन है और किस डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी, उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन लिसा मेलकम की कोई भी बात नहीं सुनती है। उसने सर्जरी करवाने का अपना डिसीजन ले लिया था और इस समय मेलकम घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा था, तो इसलिए मेलकम भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है। अब अगले दिन हम डिटेक्टिव को डॉक्टर ट्रिश के क्लिनिक जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे वेनेसा के बारे में पूछते हैं। पहले तो डॉक्टर ट्रिश अपने एम्प्लॉयर के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था और उस दिन वेनेसा भी अपने ऑफिस नहीं आई थी, लेकिन डिटेक्टिव उसे धमकी देता है कि अगर वो वेनेसा का एड्रेस उसे नहीं देगा तो वो उसके हर एक पेशेंट के घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा और तब डॉक्टर ट्रिश का पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। और इसे सुनकर डॉक्टर डिटेक्टिव को वेनेसा का एड्रेस दे देता है। यहाँ पर हम लीजा और मेलकम को देखते हैं जो कि वेनेसा के कहे हुए जगह पर सर्जरी के लिए जाता है और वो जगह किसी जंगल के बीचों बीच थी। वहाँ पर एक घर भी था और वहीं पर ये सारी इलीगल सर्जरियाँ भी हुआ करती थी। उस घर के अंदर जाने से पहले मेलकम फिर से एक बार लीजा को सर्जरी में नहीं जाने के लिए समझाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लीजा की जान को इससे कोई भी खतरा हो। लेकिन लीजा कहाँ उसकी बात मानने वाली थी, उसने तो ये मन बना लिया था कि उसे भी बाकी लड़कियों की तरह एक परफेक्ट बॉडी चाहिए और इसलिए लीसा उस घर के अंदर चली जाती है। मेलकम का भी उस दिन एग्जाम था तो वो एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। फिर अंदर जाने पर लीसा को रिसेप्शनिस्ट वेनेसा दिखती है और वेनेसा उसे बताती है कि वो यहाँ पर पार्ट टाइम काम करती है। उसके बाद वेनेसा लीसा का फ़ोन ले लेती है और वो उसे फॉर्म साइन करवाती है। तो उस फॉर्म में ऐसा लिखा था कि अगर सर्जरी करते टाइम लीसा को कुछ हो गया तो इसमें डॉक्टर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। लीसा भी बिना कुछ सोचे समझे उस फॉर्म पर साइन कर देती है और अपने पैसे वेनेसा को दे देती है। फिर लीसा लॉबी में बैठकर अपनी सर्जरी का इंतजार कर रही थी और वहाँ पर हम और भी लड़कियों को देखते हैं जो कि सर्जरी के लिए आई थी। पर अगले सीन में हम अंदर ऑपरेशन रूम में डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की को सौ से काट रहा था। और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब लीसा बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुकी थी। अब इस लड़की को मारने के बाद में डॉक्टर ने उस लड़की की बॉडी को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रख दिया था, मतलब कि डॉक्टर वही किलर था जिसने डॉक्टर लाना को मारा था और उसकी बॉडी प्लास्टिक से पैक करके रोड पर फेंक दी थी। फिर कुछ देर के बाद में वेनेसा एलिसा नाम की एक लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाती है और वहाँ पर डॉक्टर एलिसा के ऊपर ब्राजीलियन ब्लड लिफ्ट की सर्जरी करने लगती है। अब लॉबी में किरी नाम की एक लड़की आती है और वो भी सर्जरी के लिए आई हुई थी। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि वेनेसा के घर पर आया था और वेनेसा के फादर फिलिप डिटेक्टिव से बात करने जाते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि फिलिप की छोटी बहन एना प्लास्टिक सर्जरी करवाते टाइम मारी जा चुकी थी और तब से उन लोगों ने वेनेसा को कभी नहीं देखा, वो खुद ही घर छोड़कर चली गई थी। फिलिप बस डिटेक्टिव को वेनेसा की कार के बारे में बताता है जो कि उन्होंने उसे गिफ्ट की थी। अब डिटेक्टिव के जाने के बाद फिलिप वेनेसा को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन वॉइसमेल पर जा रहा था तो इसलिए फिलिप डिटेक्टिव के बारे में बताकर उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है। कुछ ही देर में वेनेसा लीसा को ऑपरेशन के लिए बुलाती है और ऑपरेशन रूम में जाने से पहले लीसा एक दूसरे रूम में चेंज करने जाती है, जहाँ पर उसे ब्लड लगा हुआ एक मास्क दिखाई देता है। लीसा इस बारे में वेनेसा को बताती है और तब वेनेसा लीसा को उसके लिए सॉरी बोलकर उस जगह को साफ करती है। फिर वेनेसा उसी किलर डॉक्टर के पास में जाती है जिसका नाम सबरीना था। वेनेसा उसे उस ब्लड लगे मास्क के बारे में बोलकर उसे बहुत डांटती है। सबरीना की ऐसी हरकतों से पेशेंट को उन पर शक हो सकता है। वेनेसा की बात सुनकर सबरीना एक चाकू से उसे स्टेप करके जान से मार डालती है और ऐसा करते हुए लीसा ने सब कुछ देख लिया था। और तब सबरीना लीसा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन लीसा किसी तरह सबरीना से जान बचाकर एक रूम में छुप जाती है। और लीसा जिस रूम में छुपी हुई थी वहीं पर लड़कियों की डेड बॉडी भी रखी हुई थी। इधर दूसरी तरफ लॉबी में डाला और अमारा नाम की दो लेडी ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी के बारे में बातें कर रही थी और उन दोनों की बातों से तीसरी लड़की इरिटेट हो रही थी। केरी को जल्दी से अपनी सर्जरी करवा के अपने घर पर जाना था और उसके बार बार आवाज़ लगाने पर भी वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो ऑपरेशन रूम में जाकर डोर पर नॉक करने लगती है। तब सबरीना केरी को अंदर बुलाती है। कुछ देर के बाद में केरी जब ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो उसे सबरीना कहीं नहीं नजर आती है और उसे ढूंढने लगती है। अचानक सबरीना केरी के सामने आती है और उसके सर पर बार बार वार करके वो उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ हम मेलकम को देखते हैं जो कि अपने एग्जाम देने गया हुआ था, लेकिन उसे बार बार लीजा के बारे में चिंता हो रही थी तो इसीलिए वो एग्जाम नहीं देता है और लीजा को लेने के लिए वापस उसके घर पर आ जाता है। वो लीजा को कॉल लगाता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है और ऊपर से उस घर का डोर भी नहीं खोल रहा था। इधर सबरीना ऑपरेशन रूम में लीजा के बट को काटने लगती है, लेकिन वो उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश नहीं करती है, तो इसलिए एलिसा दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी सबरीना उसे टॉर्चर करे जा रही थी।
अलीसा के चिल्लाने की आवाज़ बार लॉबी में बैठी डाला और अमारा को भी सुनाई देती है, जिससे कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि वे लोग सही जगह पर नहीं हैं। तो इसीलिए दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाहर जाने के सभी रास्ते लॉक्ड थे। फिर दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ चाबियाँ मिलती है और उनका यूज़ करके दोनों वेंटिलेशन और बाकी डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। लकीली दोनों से एक रूम का डोर खुल जाता है और दोनों फिर पास ही के एक रूम के अंदर चले जाते हैं। उस रूम के एक बेड पर अलीसा को सुलाकर रखा गया था, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अमारा अलीसा के बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अलीसा को भी अमारा उनके साथ में ले जाना चाहती थी, लेकिन डाला उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उन्हें अभी तक खुद कोई रास्ता नहीं मिला था। अलीसा को अगर उन्होंने साथ में ले लिया तो वे खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगी, तो इससे बेटर यही होगा कि पहले दोनों खुद को बाहर निकालें और पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म करें। अलीसा उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वे लोग उसे छोड़कर ना जाएं, लेकिन दोनों ही उस रूम से चली जाती है। लेकिन उस रूम के बाहर निकलते ही सबरीना अमारा को पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालती है। इसे देखकर डाला वहाँ से भागकर एक बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन सबरीना को पता चल चुका था कि डाला कहाँ पर छुपी हुई है, तो इसीलिए वो बाथरूम के बाहर आग लगा देती है, जिससे कि बाथरूम के अंदर धुआं भरने से और दम घुटने से डाला तड़प तड़प कर मारी जाती है। इधर लीसा भी जब उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी तो सबरीना पीछे से आकर उसे क्लोरोफार्म सूंघाकर उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ अलीसा बहुत कोशिश करके किसी तरह उस रूम का अलार्म बजा देती है ताकि सबरीना उसके पास में आए और डाला और अमारा को भागने का मौका मिले, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वे दोनों पहले सबरीना के हाथों मारी जा चुकी है। उस अलार्म को सुनकर सबरीना उसके पास में आती है और उसे भी क्लोरोफार्म देकर बेहोश कर देती है। उस अलार्म की आवाज़ घर के बाहर तक आ गई थी, जिसे मेलकम सुन लेता है और उसे समझ में आ गया था कि लीसा किसी खतरे में है, तो इसीलिए वो खुद एक आयरन रोड को अपने हाथ में लेता है और घर के डोर के लॉक को तोड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे लड़कियों की डेड बॉडी और उनके बाल दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को वेनेसा की कार की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर लीसा जब होश में आती है तो देखती है कि उसे सबरीना ने चेन से बांध कर रखा हुआ है और खुद को बचाने के लिए वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ पर मेलकम उसे ढूंढते हुए ऑपरेशन रूम में आ चुका था। सबरीना भी चुपके से उस रूम में आ जाती है और एक चाकू से मेलकम के पैर पर वार करके उसे जख्मी कर देती है। किसी तरह मेलकम सबरीना से बचकर एक जगह पर छुप जाता है। सबरीना मेलकम को ढूंढने से पहले अलीसा को उसी रूम में लाती है जहाँ पर लीसा थी। फिर वो दोनों के ऊपर पेट्रोल डालती है क्योंकि सबरीना उस पूरी जगह उन सभी लोगों को एक साथ जलाने वाली थी ताकि पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले। यहाँ पर सबरीना लीसा को बताती है कि उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली लड़कियाँ और डॉक्टर से काफ़ी नफरत है, तो इसलिए वो उनको मार रही है। अब कुछ देर के बाद में अलीसा की खून बहने के कारण मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मेलकम आता है और लीसा की रस्सियाँ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लीसा की कोई हेल्प कर पाता उससे पहले अलीसा मेलकम को एक आयरन रॉड से मारकर उसे जख्मी कर देती है। सबरीना मेलकम को मारने वाली थी, लेकिन तभी सही समय पर डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं और वो सबरीना को रुकने को बोलता है और यहीं से सबरीना की असलियत सबके सामने आती है। सबरीना की बेटी और वेनेसा की सिस्टर एना डॉक्टर लाना के पास में प्लास्टिक सर्जरी करवाने गई थी, लेकिन दोनों की सर्जरी की वजह से मौत हो गई। दोनों ही अडल्ट थी और उन दोनों ने फॉर्म को साइन करके ही अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवाया था, तो इसलिए डॉक्टर लाना को कोर्ट से कोई सज़ा नहीं मिलती। तो इसलिए वेनेसा और सबरीना ने बदला लेने के लिए साथ में मिलकर इस प्लान को बनाया। पहले तो उन्होंने डॉक्टर लाना को मारा और उन लड़कियों को मारने लगी जो कि प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पागल हैं। सबरीना सभी सबूत को मिटाकर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती थी, तो इसलिए उसने वेनेसा को भी मार डाला। अब प्रेजेंट समय में डिटेक्टिव सबरीना को शूट करके मार देता है क्योंकि सबरीना उसे मारने वाली थी। अब डिटेक्टिव लीसा की चेन को खोलकर उसे आज़ाद करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सबरीना डिटेक्टिव को चाकू से वार करके उसे जान से मार डालती है। अब सबरीना ने डिटेक्टिव की गन उठा ली थी ताकि वो लीसा को मार पाए, लेकिन उससे पहले मेलकम पास में पड़े हुए एक चाकू से सबरीना के पैर पर वार करता है और तब लीसा उस गन को उठाकर सबरीना को शूट करके उसे जान से मार डालती है। फिर मेलकम लीसा के साथ में उस जगह से सेफली बाहर निकलता है। अब हम वेनेसा के पेरेंट को देखते हैं जिन्हें वेनेसा की मौत की खबर मिली थी और उन दोनों ने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव की माँ को भूलने की बीमारी थी, तो इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं चला था कि उनका बेटा मर चुका है। इन सारे इंसिडेंट के बाद में अब लीसा की लाइफ सही ट्रैक पर आ चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि सभी को अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद को प्यार करना चाहिए
और कोई भी प्लास्टिक सर्जरी उनके अंदर की खूबसूरती को नहीं दिखा सकती। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से खुश हैं। और अब मेलकम, उसका बेटा और वो खुद भी अपनी लाइफ से बहुत खुश थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने लीजा नाम की एक लेडी को देखा जो कि एक स्ट्रिपर का काम करती थी, लेकिन उसकी बॉडी अच्छी नहीं थी जिस वजह से उसे कम टिप मिलती थी। फिर उसे उसकी एक फ्रेंड उसकी बॉडी को सर्जरी करवाने के लिए एक डॉक्टर का सजेशन देती है, लेकिन उसे एक तरीके की बीमारी थी जिस वजह वो सर्जरी नहीं करा पाती है। और यहीं पर वो वेनेसा के जाल में फंसती है। वेनेसा उसे एक ऐसे डॉक्टर के पास में भेजती है जिसे प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी करने वाले लोगों से नफरत थी, और वे दोनों मिलकर प्लास्टिक सर्जन और ऐसा करवाने वाली लड़कियों को मार रहे थे। लेकिन एंड मोमेंट पर डिटेक्टिव और मेलकम आकर लीजा को बचा लेता है और वो अपनी बॉडी से बहुत खुश थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।